बुरहानपुर के लालबाग पुलिस ने बुरहानपुर निवासी छतरपुर के पूर्व एसडीएम अनिल सपकाले को शासकीय कार्य में बाधा के एक मामले में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। दरअसल छतरपुर एसडीएम रहते अनिल सपकाले विभागीय कारणों से निलंबित चल रहे हैं। उनके रिश्तेदार के देवचंद्र सपकाले स्कूल से पालकों की टीसी नहीं दिए जाने की शिकायत मिल रही थी। जांच में स्कूल की मान्यता नहीं पाई गई। शिक्षा विभाग ने 1,00,000 रुपये का जुर्माना लगाया। जुर्माना नहीं अदा करने पर कलेक्टर के आदेश पर राजस्व विभाग कमला जिला शिक्षा अधिकारी रविंद्र महाजन के साथ स्कूल को सील करने पहुंचा, जहां पर दल और जिला शिक्षा अधिकारी के साथ पूर्व एसडीएम अनिल सपकाले ने अभद्रता की। जिला शिक्षा अधिकारी की शिकायत पर लालबाग थाने में अनिल सपकाले के खिलाफ शासकीय कार्य में बाधा का केस दर्ज हुआ था और पुलिस ने आरोपी पूर्व एसडीएम को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। मामला पंजीबद्ध किया गया था, जिसके अंदर 353 का मामला जो पूर्व एसडीएम है छतरपुर में रह चुके हैं पहले और अभी निलंबित चल रहे हैं, तो उनके खिलाफ में मामला पंजीबद्ध किया था। तो उसी के आधार पे जो मामला चालान पेश किया, उसके बाद में उसका गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ था, तो उस गिरफ्तारी वारंट के चलते उनकी गिरफ्तारी करके कोर्ट में पेश किया गया। इस स्कूल के पालकों द्वारा शिकायतें आ रही थी कि टीसी नहीं दे रहे हैं, बार बार वो सीएम हेल्पलाइन में और टीएल के माध्यम से शिकायतें प्राप्त हो रही थी। तो शिकायत की जांच के लिए पहले बीआरसी को भेजा गया, वो तो बीआरसी द्वारा जांच की गई और ये पाया गया कि वो स्कूल की जो प्रारंभिक मान्यता है, जो विभागीय मान्यता है, वो कक्षा 1 से 8 तक की वो मान्यता नहीं थी। उसके बाद उनको नोटिस दिया गया मान्यता के संबंध में दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए। उनके द्वारा विभागीय मान्यता प्राप्त करने संबंधी कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए, उसके बाद उनको नोटिस दिया गया।